सचमुच आ गया हूँ। तुम तो सचमुच हो। आप यहाँ रहते हैं आका? हाँ। ये कैसा मकान है, चौकटा सा बना रखा है जैसे कैरखाना हो। सुलेमान के जमाने में क्या गुंबद हुआ करते थे, मेहराबें हुआ करती थी। ये क्या है? ये लाइट है। लाइट? लाइट क्या होती है? बत्ती। चिराग। मैं समझा था ये चिड़िया के घोंसले। फर्नांडिस, फर्नांडिस। राजेश, इसको तो मैं बंद करके आई थी, ये क्या? फर्नांडिस, फर्नांडिस भूत। क्या है माती? क्या है? कहाँ है? किधर? मामा के, ताया के भांजे के पापा जी हैं। ये आज ही कस्तून दुनिया से आए हैं। कस्तून दुनिया से आए हैं? ये कौन सी दुनिया है? दुनिया नहीं है, दुनिया है। ये काम क्या करते हैं? ये जादूगर है। क्या दिखता है, ये जादूगर है? हाँ। ये तो मुझे कोई स्मगलर लगते हैं। क्या? हाँ स्मगलर। तो इनका बताओ चमत्कार। बताओ बताओ। पापा जी, बोलो जी। इनकी टोपी टोपी। पापा जी, हाँ जी? अब इसकी कमीज। कमीज? अरे मेरी कमीज। पापा जी, अब इसकी पतलून। पतलून? अरे मेरी पतलून। ये क्या हो गया? पापा जी, अब इसकी चड्डी। अरे नहीं जी, अरे क्या बोलते हो? आकर, मैं आपकी कुछ खिदमत करना चाहता हूँ, इसलिए इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम, अस्सलाम। कहाँ गया? कमाल है। सरस्वती बहन जी, मालूम है कल रात को मेरे साथ क्या हुआ? क्या? राजेश के चाचा ने मेरे सारे कपड़े निकाल दिए। क्या बकवास कर रहा है गुल्लू? ये राजेश का चाचा कहाँ से आ टपका? आसमान से। अरे ओ बिल्लू, क्या गप्पे मार रहा है? यो, चाचा का भतीजा आ गया, खुद ही पूछ लो। राजेश, बड़ी देर कर दी, नाश्ता ठंडा हो रहा है। नहीं बुआ, दुकान पे देर हो रही है। अरे दुकान पे तू कौन सी खाक छानता है, पहले नाश्ता तो कर ले। बुआ आजकल बड़ी बेईमान, मेरा मतलब मेहरबान हो रही हो। तुम अपनी बुआ को समझे ही नहीं। राजेश, कल रात को तू यहाँ खाना खा रहा था ना? मैं यहाँ खाना खा रहा था? मैं तो दुकान पे था बुआ। तो फिर मैं किससे बातें कर रही थी?
किसी जिन भूत से बातें कर रही होगी। चुप गुल्लू, मैं दुकान में था कि नहीं? हाँ, और मैं दुकान के बाहर पहरे दे रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। ना ही समझ में आए तो अच्छा है। इसके चाचा के बारे में पूछो ना। और ये चाचा कहाँ से आया टपका? चाचा अस्सलाम। हम तरावश के गुलाम हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ तोहफे भेजे, ये देखिए और वो देखिए। नहीं बहन, हम तरावश को नहीं जानते, हमको तोहफे वोहफे नहीं चाहिए, ले जाओ। हम मजबूर हैं, अपने आका के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। आओ खाओ। बुआ, वो मेरे चाचा आए ना आसमान से, मेरे मतलब तुर्किस्तान से, वो कुछ चार गधे और बहुत से ऊंट हीरो जो आरा से लादे हुए तोहफे लाए हैं। तोहफे लो, लो कुछ यहाँ भी लो। माफ करो, माफ करो, ऊपर आओ। पिया पिया अलकदम अलकदम पिया पिया। हुजूर, वो गधे और ऊंट जो नीचे खड़े हैं उनको ऊपर ले आओ। गधे और ऊंट ऊपर? नहीं नहीं, उनको ऊपर नहीं लाओ, तुम नीचे जाओ। अलकदम अलकदम अलकदम। की भाव मखमल सिल्क हीरे जवाहरात, ईटे, बाप रे बाप, इतनी दौलत, ये बापा जी तो मुझे जेल भिजवा के छोड़ेगा। गवर्नमेंट समझेगी मैं डाकू मान सिंह का बेटा हूँ। तोहफे पसंद आया का? अरे कहाँ से बोल रहे हो भाई? मैं यहाँ हूँ। किधर? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ये नाचीज तोहफे पसंद आए? ये नाचीज है तो फिर चीज क्या होते? क्यों पसंद नहीं आए? अरे बाबा, हमारे देश में गोल्ड कंट्रोल है, ये सोना रखना जुर्म है। अजीब बात है, सुलेमान के जमाने में तो आदमी जितना चाहे उतना सोना रख सकता था। अरे भाई, सुलेमान के जमाने और थे, अभी तो चार तोले सोना से ज्यादा रखो तो तुम्हारी तरह बोतल में बंद कर देते। बापरे, बोतल में बंद कर देते? बड़ी मुसीबत की बात है। हाँ। लेकिन कुछ तो कबूल कीजिए, कहिए तो लाख दो लाख दिनार ला दूं। अरे भाई, दिनार आजकल नहीं चलते, आजकल तो ये सिक्का है। ये? हाँ। एक कागजी सिक्का? हाँ, आजकल सब काम कागजी होते हैं। तो लो, कागजी सिक्का ला देता हूँ। अरे भाई, ये नहीं मैं ले सकता, इनकम टैक्स को क्या जवाब दूंगा? इनकम टैक्स? ये इनकम टैक्स क्या है? तुम्हें कैसे बताऊं? बस ये समझो कि इनकम हमारी, टैक्स गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट भी तो चलानी होती है। सुलेमान के जमाने में ये टैक्स वैक्स नहीं हुआ करते थे। अरे भाई, सुलेमान के जमाने में, सुलेमान के जमाने में, वो जमाना और था, ये जमाना और है। ये सब चीजें ले जाओ खुदा के वास्ते। तोहफा? तोहफे वापस नहीं लिए जाते। आइए फुले साहब, वो लोग इसी कमरे के अंदर हैं। हाँ हाँ, हवलदार, वो लोग इसी कमरे में हैं। आइए, दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। अरे पुलिस, अरे बाबा, इन चीजों को ले जाओ। पुलिस यहाँ नहीं आ सकती। मैं उस दिन को रोता हूँ जिस दिन तुम्हें बोतल से आजाद किया था, अब मैं सारी उम्र बंद रहूंगा। आका, आप नाराज क्यों होते हैं? हुक्म दीजिए। अरे हुक्म यह है कि इसको ले जाओ और अपने आप को भी, तब आप खुश हो जाएंगे। हाँ, मैं खुश हो जाऊंगा। हाँ, तो ठीक है। कहाँ चले? अरे यहीं पे। चलो चलो। अरे इस कमरे में तो कोई भी नहीं दिखाई देता। अरे अभी अभी तो यही थे, कहाँ चले गए? कौन? वही अरब लोग जो कि सामान लाए थे। तुम दोनों तोता मैना की किताबें पढ़कर ख्वाब देखने लगे हो। हवालदार साहब, कुछ हिंदुस्तानियों को ख्वाब देखने की बीमारी है, उनमें से ये भी। खाम खा पुलिस को हैरान कर रखा है। और क्या, आइंदा का फोटो कभी नहीं करना, समझे? चलो। लेकिन अरे आप कब आए? अभी आया, तुमने सर नीचे किया हुआ था जब। मैं गए कहाँ था? मैं तो यही था। अच्छा, सरस्वती बहन जी, ये है राजेश के चाचा। नमस्ते राजेश, ये आए कब?
बुआ ये कल आए टंबकटू से, मेरे बहुत ही दूर के कुछ चाचा वाचा लगते हैं। मेरे लिए ये बड़े पापा जी हैं। होंगे क्यों नहीं, इतने मालदार जो हैं। जी हुजूर, मैं तो गुलाम हूँ। लीजिए। ये क्या? हम अपने हर नए मिलने वाले को कुछ ना कुछ नजर करते हैं, कबूल कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश, ये तो अभी यहाँ ठहरेंगे ना? ये तो अब जाएंगे ही नहीं बुआ। अच्छा अच्छा। अरे गुल्लू, आपकी कुछ खातिर की? अरे मैं बड़े पापा जी को गे लेडी होटल में लाल बोतल पिलाऊंगा। अच्छा अच्छा, अभी तो चाय चाय पानी का इंतजाम करें। ओह आई फॉरगॉट, आइए। ये आपकी बुआ? लगती नहीं मगर है कुंवारी।